खानदान ने गलत शख्स दफना दिया, मरने वाला अगले दिन जिंदा निकला। अस्पताल इंतजामिया की गलती किसी बड़े सानिया का सबब बन सकती है। ऐसा ही उस वक्त हुआ जब अस्पताल इंतजामिया की गलत इतला के सबब एक खानदान अपने बुजुर्ग रुकन की मौत का शोक मनाता रहा और अगले रोज इसे इल्म हुआ कि वो जिंदा हैं। वस्ती यूरोप के मुल्क सेलोवेनिया में उस वक्त अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो गई जब शनाख्त की गलती के बायस एक खानदान किसी और की मैयत को दफन करने के बाद सोग मनाता रहा। सरकारी केयर होम की इस संगीन गलती के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर वजीर सेहत ने मुस्ताफी होने की पेशकश की। काम के मुताबिक जुमरात को दो एक जितनी उम्र के अफराद को मशरकी सेलोवेनिया के कस्बे जिदानी मोस्ट के एक केयर होम में मुंतकिल किया गया। शनाख्त की गलती की एक वजह ये बताई गई कि दोनों उम्र रसीदा अफराद को एक ही इलाके से केयर होम लाया गया और दोनों व्हील चेयर पर थे। वजीर सेहत डैनिजल बेस्ट लोरिदान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक खानदान ने अपने वालिद को गुज़श्ता रोज दफनाया और आज मालूम हुआ है कि वो जिंदा है। इस तरह एक और खानदान को मालूम हुआ कि गुज़श्ता रोज इंतकाल के बाद दफन किए गए इनके वालिद थे। अस्पताल लाए गए बुजुर्ग शहरियों में से एक को डेमेनेशिया का मर्ज लाहक था, जबकि वो गुज़श्ता एक हफ्ते से सेहत से मुतालिक दीगर पेचीदगियों का भी शिकार हो गए थे। हुकाम के मुताबिक दोनों मरीजों में एक का इंतकाल हो गया तो अस्पताल ने गलत खानदान को इतला दे दी। ज़रूरी तस्दीक के बाद मुतालिका खानदान ने इंतकाल करने वाले की आखिरी रसूमात अदा की। हुकाम के मुताबिक इस गलती का इल्म बुजुर्ग शहरियों की देखभाल करने वाले केयर होम को उस वक्त हुआ जब एक मरीज सेहतियाब होकर वापस आया और इसके बाजू पर शनाख्त के लिए टैग मौजूद था। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए हुक्म जारी कर दिया है।